नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर, और रिपोर्टर में आज हम सबसे पहले आपको राजौरी लिए चलेंगे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार रैली का यहां संबोधन जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। आम जनता से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिलने की कोशिश हो रही है, और बड़े बड़े मुद्दे यहाँ पर गिनाने की भी कोशिश हो रही है। उसके साथ ही आपको बताते चले कि राजौरी जिले के अंदर सरगर्मियां लगातार सियासत को लेकर तेज होती हुई नजर आ रही है। और दूसरी खबर पर आपको श्रीनगर लिए चलेंगे, जहां पर महबूबा मुफ्ती को आज नजरबंद कर दिया गया, लेकिन कुछ चंद मिनटों के बाद ही महबूबा मुफ्ती जो है वो एक वीडियो यहां पर जारी करती हैं, जिसमें वो बात कहती हुई नजर आती हैं कि युवाओं से उन्होंने मिलना था, लेकिन मिलने की कोशिश यहां पर बिल्कुल यहां नाकामयाब कर दी गई है। और उसके बाद तीसरी खबर पर आपको लिए चलेंगे अनंतनाग, जहां पर अवंतीपुरा की बात आपको सुनाना बहुत जरूरी है कि अनंतनाग के अंदर किस तरह से आज उमर अब्दुल्ला ने यहां पर बयानबाजी की है, क्योंकि इससे पहले भी विकास का मुद्दा उन्होंने सामने रखा था, लेकिन देखना ये होगा कि अनंतनाग के अंदर आज जब वो संबोधन कर रहे थे किन किन मुद्दों को लेकर बातचीत की गई। और चौथी खबर पर आपको लिए चलेंगे बांडीपुरा, जहां पर क्रिकेटर की सिलेक्शन हुई है, और एक जम्मू कश्मीर का नाम यहां पर रोशन होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि युवाओं का रुझान जिस तरह से खेलों की तरफ बढ़ाया गया है वो आपको दिखा देंगे कि कौन सा ये युवा है और किस तरह से सिलेक्शन यहां पर हुई है। और पांचवी खबर पर आपको लिए चलेंगे लगातार गांधरबल, और गांधरबल से दिखाएंगे कि आज आम जनता किस तरह से धरना प्रदर्शन करती हुई नजर आई, क्योंकि पत्थरों की कटाई को लेकर रोक लगाई गई है प्रशासन की तरफ से, जिस पर काफी तरीके से रोक जो है वो नहीं अब नागवारा यहां पर गुजरती हुई नजर आ रही। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि लगातार लोग जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से ही। राजौरी से बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी कवायद तेज करे हुए है, और राजौरी और पुंछ में सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। पहाड़ियों को भाजपा से जोड़ने के लिए कवायद शुरू कर दी गई है, और राजौरी में आज भाजपा की तरफ से एक बड़ी रैली की गई है, जिसमें काफी तरीके से आम जनता जुड़ती हुई नजर आई है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि इतिहास में पहला मौका है जब भारतीय जनता पार्टी का जनाधार इस तरह से राजौरी जिले के अंदर और पुंछ के अंदर देखने को मिला है, और इससे पहले कई बार आपने देखा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो कवायद यहां पर चलाई गई, लेकिन जितना आज यहां असर देखा गया है इससे पहले ऐसा असर देखने को नहीं मिला था। जमीनी सतह पर आप देखिए पहाड़ी लोग किस तरह से वहां पर इकट्ठे होकर जनसभा को यहां पूरी तरह शोभा बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, और साथ ही साथ जनसभा को जब संबोधित किया गया है तो जाहिर तौर पर पहाड़ियों की समस्याओं को उजागर करने की कोशिश की गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और लगातार अटकलें यह भी लगाई जा रही है कि जिस तरह से अमित शाह यहां पर पहुंचे हुए थे, और उसके बाद उन्होंने एसटी का दर्जा पहाड़ियों को देने की बात कही थी, लेकिन उसके बाद ही सियासत लगातार यहां पर गर्म होती हुई नजर आई, जिसमें पीडीपी भी अपना एक भाग देती हुई नजर आई, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना भाग देती हुई नजर आई। लेकिन देखना यह होगा कि समय पर फायदा किस पार्टी को यहां पर मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि विधानसभा चुनावों के दौरान ही यहां पर एसटी का दर्जा जो है वो पहाड़ियों को दिया जाएगा। जमशेद मलिक हमारे साथ ग्राउंड जीरो से ही जुड़ चुके हैं, रैली स्थल पर पहुंचे हुए हैं। जमशेद, क्या कुछ अपडेट है, किस तरह से पूरा कार्यक्रम वहां पर चल रहा है? बिल्कुल, अगर ये कहें कि दरहाल की तारीख में ये पहला मौका ऐसा होगा जहां भाजपा के लिए इतना बड़ा जलसा जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, जो देखने को मिल रहा है, ये सुबह से लोग बैठे हैं और बड़ी तादाद में लोग इसमें शिरकत की, उसकी बड़ी वजह यही है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह भाजपा की तरफ से पहाड़ी लोगों को एसटी का दर्जा देने की बात कही जा रही है, उसको देखते हुए लोगों की बड़ी संख्या इस वक्त इस जुलूस में दिख रही है। रविंद्र बनर्जी ने अपना खिताब भी अभी थोड़ी देर पहले ही शुरू किया है, जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि ये मंजर वो मंजर है जिसमें आप गुरु जी, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं सुबह से ही, क्योंकि ये पहला मौका ऐसा होगा। ये वो इलाके हैं जो बिल्कुल मुस्लिम मेजॉरिटी वाले इलाके हैं, ऐसे इलाके में भाजपा का इतना बड़ा जलसा होना ये बहुत बड़ा तारीख कह सकते हैं हम इसको। इस वक्त नारायण साहब ने अभी स्पीच शुरू किया, हम वही दिखा रहे हैं आपको, कोशिश करेंगे कि ये स्पीच का मंजर दिखाएंगे, क्योंकि जमशेद कैमरा को स्टैंड बाय रखिए। और दिनेश जी साहब जी, आपसे आवाज सुनाई दे रही, जेरे मेहमान हमें मंडी दे नील साहब, और भारत जी साहब म्युनिसिपल कमेटी दे रजौरी दे प्रेसिडेंट जनाब आरिफ जट साहब, डीसी साहब, और तमाम जितने भी हजरात एडवोकेट साहब ठाकुर जी, और जितने भी साथियों ने इधर गलबात रखी है, तमाम सारे बीडीसी डीडीसी पंचीस सरपंचीस और जितने भी सारे मौजूद हजरात और नौजवान साथी इधर आए ने, मैं तुसा सारे की आदाब करना नमस्कार कर। साथियों गल यही है कि जिसमें रजौरी तू ऊपर ले
हवाई पट्टी में उतर सचे तो जिसने इधर तुम्हें चलना देखा तो मिकी मंक साहब पूछ रहे हैं क्या पहले भी था आईनसीओ लगा पारा दूर वीनर लाई लाई था तकने सी होता था डांगो रखने सी होता कौन ऐसा सा तो इसमें कोई शक नहीं कि आप इस साल सारे सारे मंडल प्रधान जी इन्होंने बड़ी बार बुलाया था इतना ही कि मेरा दोस्त रहना से अजय भी था रहने आज ही अफसर साहब चलिए तो फिलहाल आप देख रहे हैं रविंद्र रैना की तरफ से रैली को संबोधित किया जा रहा है और पहाड़ी भाषा का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। जमशेद ये बताइए कि कौन कौन से मुद्दे गिनाने की वहां पर कोशिश हो रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन जब से भाजपा की तरफ से पहाड़ी तबके को दर्जा देने की बात कही गई थी उसके बाद खास करते राजौरी पुंछ के बारे में बड़ी संख्या में पहाड़ी लोग रहते हैं और उनकी तरफ से एक बड़ी रैली आज यहाँ मुनक्कद की गई है। इस रैली के अंदर पहाड़ी लोगों के साथ साथ गुज्जर लोग कहा गया की अगर पहाड़ी लोगों को उसके साथ शामिल है और आप ये देख सकते हैं राणा साहब ने आज यहाँ जो स्पीच कर रहे हैं वो पहाड़ी जबान में ही स्पीच कर रहे हैं। इससे आप समझ सकते होंगे कि राजौरी पुंछ के क्या नए करवट आ रहे हैं क्योंकि इस पहाड़ी को भाजपा के लिए एक मौका भी है और इससे साथ अगर देती है तो इससे बीजेपी को राजौरी हमेशा बड़ा फायदा जरूर होगा। चलिए जमशेद बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़े हुए थे जो बता रहे हैं कि किस तरह से रैली के अंदर काम देखा जा रहा है और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि पहाड़ी पूरी तरह से किस तरह वहां पर हुजूम की तादाद में पहुंचे हुए हैं ये देखने वाली बात है। और साथ ही साथ अब देखना ये होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी और पीडीपी भी लगातार वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने भी कवायद तेज करके रखी हुई है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको लिए चलेंगे श्रीनगर और श्रीनगर से दिखा देंगे कि महबूबा मुफ्ती किस तरह से आज यहां पर बातचीत करती हुई नजर आई है। लगातार आपको दिखाना बहुत जरूरी है कि महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से इशारों में केंद्र सरकार पर निशाना साध दिया है और वीडियो बनाकर युवाओं को संदेश दिया गया है और जम्मू कश्मीर के हकों के लिए यहां पर जद्दोजहद करनी होगी। इस तरह से वो अपनी वीडियो में भी बातचीत करती हुई नजर आ रही है। चंद घंटों के बाद ही यहां पर एक वीडियो सामने आई है जिसमें महबूबा मुफ्ती लगातार बातचीत करती हुई नजर आ रही है क्योंकि सुबह ही युवाओं को संबोधित करने का समय जो है वो रखा गया था लेकिन सरकार की तरफ से इजाजत नहीं दी गई जिसमें एसओपीज का हवाला देते हुए कोरोना का हवाला देते हुए इन्हें इजाजत नहीं दी गई है। लेकिन उसके बाद ही यहां पर एक वीडियो बनाई जाती है और वीडियो में पूरी तरह से युवाओं को संबोधित करती हुई महबूबा मुफ्ती नजर आई है जिसमें वो कह रही हैं कि जद्दोजहद उन्होंने करनी है, युवाओं से मिलना था, युवाओं की समस्याओं को सुनना था लेकिन सुनने नहीं दिया गया है। उसके बावजूद भी वो क्या कुछ कहती हुई नजर आई है जरा वो देखिए। जम्मू कश्मीर के हालात का तस्वीर पेश कर रही है जहां पर आज जो हमारा यूथ के साथ मीटिंग होनी थी और उसको जिस तरह इस सरकार ने आज सैबोटाज किया ये कह के कि कोविड है, जब यहाँ दूसरी जमातें प्रोग्राम करती हैं, मीटिंग्स करती हैं, उनके लिए कोविड नहीं होता है, पर जब हम अपने बच्चों के साथ में बात करना चाहती थी, उनका हाल जानना चाहती हूँ, तो उस वक्त इनको कोविड याद आ जाता है, सैबोटाज किया जाता है और ये नए नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं कि यहाँ के नौजवान को किस तरह से उसके इख्तियारात को ख़त्म किया जाए, यहाँ का नौजवान किस तरह जमहूरियत से दूर रहते हुए तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करे ताकि इनके लिए उनको मारना पीटना आसान हो जाए, उनको जेल में डालना आसान हो जाए। यही तो ये करते आए हैं पिछले 3 साल से। नौजवान का घर में दम घुटता है, बाहर निकलना चाहता उसको आने नहीं देते हैं और अगर वो आ जाता है तो या तो गोली या डंडे का शिकार हो जाता है या उसको जेल में बंद कर देते हैं। आज हमारे हजारों नौजवान रियासत के अलग अलग वादी के अलग अलग इलाकों से हमारे पास आना चाहते थे, क्या कर वो बात सुनना चाहते थे, बात करना चाहते थे, जम्मू कश्मीर के हालात की बात करना चाहते थे, मगर आपने देखा कि किस तरह से आपको मेरे पास आने नहीं दिया। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहती हूँ, अपने बच्चों से कहना चाहती हूँ, ये जानबूझ के आपको धकेल रहे हैं ताकि आप तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करें, ताकि आप इनके लिए आसान हो जाए कि आप पे ये डंडा चलाए, आप पे ये गोली चलाए, मगर हमने हार नहीं मानी, हमने घुटने नहीं टेकने इनके सामने। मुझे फख्र है आप पे क्योंकि ये आपसे घबरा गए। महबूबा मुफ्ती से कोई नहीं डरता है, अगर डरते हैं तो आपसे डरते हैं, आप नौजवानों से डरते हैं, आपकी ताकत से डरते हैं, आपकी जिद से डरते हैं।
अपनी जिद को कायम रखिए, अपनी जिद को मत छोड़िए। और जिद हमारी ये है कि हम जम्मू कश्मीर की फलाह के लिए, जम्मू कश्मीर की सालमियत के लिए, जम्मू कश्मीर की बका के लिए, इज्जत के लिए, जम्मू कश्मीर के मसले के हल के लिए हम जदोजहद करेंगे, पुरअमन जदोजहद करेंगे, जमहूरी निज़ाम में जदोजहद करेंगे। और हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ने बाइडेन के साथ हिंदुस्तान की जमहूरियत पे बहुत लंबी तकरीर की, मगर यहाँ तो जो है वो युवाओं को संबोधित करती हुई ही नजर आई है एक वीडियो के जरिए, जहां पर उन्हें पहले रैली करनी थी, युवाओं को संबोधित करना था, लेकिन इजाजत नहीं दी गई। हमारे साथ इसी खबर पर अमजद जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। अमजद, जिस तरह से लगातार निशाना साध रही हैं महबूबा मुफ्ती इशारों ही इशारों में, उन्होंने कहा कि और भी बड़ी रैलियां हो रही हैं लेकिन पीडीपी को रैली नहीं करने दी जा रही है, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर आरोप लगाती हुई नजर आई। देखिए आशा, लगातार पिछले कई समय से जम्मू कश्मीर के अंदर की सियासी पार्टियों की अगर बात करें, कन्वेंशन हो रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, हम कह सकते हैं वर्किंग कमिटीज मिल रही हैं, बड़ी बड़े जलसे हो रही हैं, लेकिन एक पार्टी है जिसको पीडीपी कहते हैं या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नाम से जानते हैं, जो महज कोशिशें कर रही है। यानी पिछले कई समय से कश्मीर के अंदर अलग अलग तरह से उन्होंने कन्वेंशन करने की कोशिश की, जिस पर इजाजत नहीं मिली। उन्होंने पार्टी वर्कर्स की मीटिंग करने की कोशिश की, इजाजत नहीं मिली। पार्टी फंक्शनरीज की मीटिंग करने की कोशिश की, लेकिन इजाजत नहीं मिली। हर बार उन्हें कुछ रीजंस बताए जाते हैं, जिसमें या तो कोविड प्रोटोकॉल्स की बात सामने आती है या फिर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की बात सामने आती है, जिसके बाद महबूबा मुफ्ती को अपने पार्टी वर्कर्स, पार्टी फंक्शनरीज या फिर यूथ कन्वेंशन में जाने की इजाजत नहीं दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती जब किसी और जगह पे जाने की बात करती है, जिस तरह से उन्होंने हैदरपुरा जाने की कोशिश की, इजाजत नहीं मिली। उन्होंने अनंतनाग जाने की कोशिश की, उन्हें इजाजत नहीं मिली। इस बार उन्होंने खुद ही एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने अपने घर के अंदर मौजूद खाली कुर्सियों को दिखाकर कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरह के हालात नॉर्मल हैं। लगातार पिछले कई समय से महबूबा मुफ्ती इस चीज पर तंज कसती आ रही है केंद्र सरकार पे, कि जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं पिछले कई समय से कि कश्मीर के अंदर हालात नॉर्मल है, लेकिन वो तस्वीरें दिखाती हुई नजर आती है। लेकिन इस बार भी उनकी जो तस्वीरें हैं वो एक जवाब देखा जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ है, जिसमें उन्होंने सबसे पहले शुरुआत तो जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टी से की कि यहाँ पर अलग अलग तरह के ऐसे दल है जिन्हें लगातार इजाजतें मिल रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, अपनी पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करें, कांग्रेस की बात करें, वो हर जगह पर जाकर के अपनी रैली जलसे कर रहे हैं, लेकिन कश्मीर के अंदर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को किसी भी तरह की इसी तरह से आरोप रैली की इजाजत नहीं दी जा रही है। महबूबा मुफ्ती पहले भी लगाती आई हैं अमजद, और दिल्ली में भी जब वो धरने प्रदर्शन पर बैठी थी, जंतर मंतर से जब उठवा दिया गया उन्हें, और उसके बावजूद भी उन्होंने अपना धरना जारी रखा, लेकिन मीडिया की तरफ से जब सवाल पूछे गए तो उनका साफ तौर पर कहना था कि पीडीपी को बातचीत करने का मौका नहीं दिया जाता है, बातचीत को दबाने की कोशिश होती है। लेकिन आज जिस तरह से वो युवाओं के लिए एक मैसेज छोड़ती हुई नजर आई हैं, क्या लगता है कि जिस तरह से वीडियो बनाई है, क्या एक मैसेज देना चाहती थी? देखिए, आज का जो वीडियो उन्होंने जारी किया है, इस वीडियो में कई तरह के मैसेजेस हैं, हर तरफ के लिए है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज युवाओं के लिए है, और सबसे बड़ा इसी मैसेज के हम लोग एक धमकी भी समझ सकते हैं एक तरह से। हम उसको भी अगर डीकोड करें तो वो रास्ता भी इसमें नजर आता है कि युवाओं को कहा जा रहा है कि आप एक तरह की स्ट्रेंथ है, आपसे डरा जा रहा है, आपसे खौफ रखती है जम्मू कश्मीर के अंदर केंद्र सरकार या जम्मू कश्मीर का प्रशासन। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि आपको मजबूर किया जा रहा है कि आप ड्रग्स की तरफ जाए, आप सुसाइड्स की तरफ जाए, या फिर आप अपने हाथों में बंदूक या पत्थर उठाए। यानी एक तरह से इसको इशारा भी कहा जा सकता है कि युवाओं को इशारों में ये कहा जा सकता है कि भड़काने की कोशिश की जा रही थी, धमकाने की भी कोशिश की जा रही है केंद्र सरकार को। अमजद, क्या इशारों ही इशारों में युवाओं को भड़काने की कोशिश की जा रही है, कुछ ऐसा? ऐसा भी कहा जा सकता है कि कोशिश ये है कि युवा जो उनके साथ में जुड़े हुए हैं उन्हें एक रास्ता दिखाया जा सके, भड़काया जा सके, एग्जैक्टली नहीं कह सकते हैं लेकिन रास्ता ही सही हम कहें दिखाया जा रहा था कि अब आपने किस तरफ जाना है। क्योंकि ये जो इशारे लगातार दिए जा रहे हैं ये वही सेम चीजें हैं जिन पर पिछले कई समय से केंद्र सरकार के दावे हैं कि लगाम लग चुकी है। ड्रग एडिक्शन की बात करें, स्टोन पेंटिंग की बात करें, मिलिटेंट एक्टिविटीज की बात करें, इन्हीं सब चीजों पर लगातार पिछले कई समय से केंद्र सरकार का दावा है कि एक बड़ा लगाम लग चुका है। लेकिन अगर कश्मीर के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, महबूबा मुफ्ती की खासतौर से, तो उन्होंने ही कहा है कि युवाओं को उसी तरफ धकेलने की एक बड़ी साजिश कश्मीर के अंदर की जा रही है, और युवाओं से अपील भी की है उन्होंने कि इस तरह से किसी भी एक्टिविटी में इंडल्ज ना हो, क्योंकि केंद्र सरकार यही चाहती है। इसे हम लोग ये कह सकते हैं कि एक तरह से बड़ी चेतावनी केंद्र सरकार को देने की कोशिश की गई है महबूबा मुफ्ती की तरफ से कि अगर इसी तरह से आपने रोका रखा तो शायद आगे के रिजल्ट्स जो है वो इस तरह के हो सकते हैं कि दोबारा युवा के हाथों में पत्थर दिख सकते हैं, ड्रग एडिक्शन में जा सकते हैं या क्या लगता है अमजद कि इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से इस तरह रोक लगाई जाती है इनके हर एक प्रोग्राम के ऊपर? अमजद, आपकी आवाज साफ नहीं। अमजद, सवाल यह है कि क्या इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से रोक लगाई जाती है इनके कार्यक्रमों पर?
फिलहाल अमजद बनाए रखेंगे आपको अगली खबर के लिए भी। और आपने देखा कि अमजद क्या कुछ यहाँ पर कहते हुए नजर आए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि लगातार युवाओं को इशारों ही इशारों में यहाँ पर भड़काने का भी काम किया गया है। और जाहिर तौर पर आप ये समझिए कि महबूबा मुफ्ती ने जिस तरह से एक वीडियो यहाँ पर बनाया है और ये वीडियो में साफ तौर पर वो कहती हुई नजर आ रही है कि युवाओं को जद्दोजहद करनी होगी और जद्दोजहद करने के अलावा उनके पास अब कोई चारा नहीं बचा है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको अनंतनाग लिए चलते हैं जहाँ पर उमर अब्दुल्ला पहुंचे हुए थे और उमर अब्दुल्ला भी किस तरह से धारा 370 को लेकर बातचीत करते हुए नजर आए हैं वो आपको दिखा देते हैं। क्योंकि अनंतनाग में एक बार फिर से उमर अब्दुल्ला ने धारा 370 को लेकर बात कही है। उन्होंने कहा कि 370 के लिए मिठाइयां बांटने वाली जनता आज दुखी है और 370 के जाने के बाद नौकरी का दावा भी यहां पर फेल हुआ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री के बयान पर भी आज उमर अब्दुल्ला ने पलटवार कर दिया है। और जाहिर तौर पर आप देखिए, इससे पहले रामबन के अंदर पहुंचे हुए थे, उस वक्त भी विकास के मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए बातचीत की गई और उसके साथ ही जब डोडा के अंदर भी, किश्तवाड़ के अंदर भी आम जनता को संबोधित किया गया, उस वक्त भी धारा 370 के बाद के विकास को लेकर बातचीत की गई। लेकिन आज जब अनंतनाग के अंदर पहुंचते हैं जहां पर जनसभा को भी संबोधित करते हैं, वहां पर भी धारा 370 को लेकर बातचीत होती है। और साथ ही साथ आपको यह भी बताते चलें, उनका यह भी कहना था कि जिन लोगों ने धारा 370 जाने के बाद मिठाइयां बांटी थी, आज वो लोग भी कहीं ना कहीं दुखी नजर आ रहे हैं। और इसी खबर पर जानकारी भी लेंगे, लगातार आपको दिखाना बहुत जरूरी है क्योंकि अनंतनाग के अंदर भी भारी तादाद में लोग पहुंचे हुए थे उमर अब्दुल्ला की रैली के अंदर और पूरी तरह से 370 जाने के बाद यहां नौकरियां देने की भी बात कही गई थी, वो भी कहीं ना कहीं दावा फिसड़ी साबित होता हुआ नजर आया। इस तरह से आज उमर अब्दुल्ला ने कई तरह के केंद्र सरकार पर कसने की कोशिश की है और उसके साथ ही मनोहर लाल खट्टर जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उनके बयान को लेकर भी पलटवार किया है। लेकिन अब देखना यह होगा कि ग्राउंड पर किस तरह से हालात अनंतनाग के अंदर बने हुए हैं। जाहिर तौर पर आम जनता को यहां बरगलाने की कोशिश तो हो रही है, हर एक पार्टी अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है क्योंकि अगर डिलिमिटेशन कमीशन अपनी रिपोर्ट सौंपता है तो उसके तुरंत बाद ही विधानसभा चुनाव यहां पर घोषित कर दिए जाएंगे। उससे पहले ही हर एक पार्टी अपने जनाधार को बढ़ाने में लगी हुई है और लगातार 370 का मुद्दा पीडीपी की तरफ से भी उठाया गया और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी उठाया गया। अटकलें यह भी लगाई गई कि आने वाले समय में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस एकजुट होकर यहां पर विधानसभा चुनाव भी लड़ सकती हैं। लेकिन आज जिस तरह से महबूबा मुफ्ती को भी नजरबंद कर दिया गया, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने आज जिस तरह यहां आम जनता को संबोधित किया है, उस पर कहीं ना कहीं अब सवाल निशान उठते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि धारा 370 को लेकर भी बातचीत आज की गई है। अमजद के पास चलेंगे एक बार फिर से। अमजद, जिस तरह से उमर अब्दुल्ला अनंतनाग के अंदर जनता को संबोधित कर रहे थे, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना था कि धारा 370 के जाने के बाद जब सरकार ने दावे पेश किए थे, वो अब कहीं ना कहीं यहां फिसड़ी साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। अमजद, देखिए आशा, लगातार अगर बात करें राजनीतिक गतिविधियां जम्मू कश्मीर के अंदर जारी है, जहां एक तरफ पार्टियां अपनी अपनी कन्वेंशन कर रही है, वहीं दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला या नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें, जम्मू और कश्मीर दोनों जगह पर ही एक तरह से कहे तो दोधारी तलवार चलाते हुए नजर आ रहे हैं। जम्मू में फारूक अब्दुल्ला और कश्मीर के अंदर उमर अब्दुल्ला अलग अलग जगहों पर पार्टी कन्वेंशन को खिताब कर रहे हैं, कल बड़गाम में मौजूद है और लगातार सरकार को हम कहें तो निशाने पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। धारा 370 पे बात की, अनएम्प्लॉयमेंट पे बात की और उसके साथ साथ जिस तरह से केंद्र सरकार की तरफ से आ रहे कुछ बयान है या फिर जो साथी राज्य हैं उनकी तरफ से आ रहे जो बयान है वहां के मुख्यमंत्रियों की तरफ से, उस पर भी बड़े हम लोग कहें तो स्तर पर रिएक्शन देते हुए नजर आए हैं। मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है, उनके एक बयान पर भी रिएक्शन दिया और कहा कि इस तरह से जो एक हम कहें तो एक कम्युनल एक्ट जो करने की कोशिश की जा रही है, ये अनएक्सेप्टेबल है पूरी दुनिया के लिए, पूरे देश के लिए, क्योंकि देश एक सेक्युलर स्टेट है जहां पर तमाम धर्म एक साथ रहते हैं और इस तरह से मुसलमानों को टारगेट करना अब एक तरह की आदत सी बन चुकी है और ये नहीं होना चाहिए है। वहीं दूसरी तरफ धारा 370 को लेकर के भी बात की और कहा कि पूरा देश, जिस तरह से देश के अंदर धारा 370 की तस्वीर रखी जा रही है कि उसके बाद डेवलपमेंट की एक लहर दौड़ी है, जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट कहीं नजर नहीं आ रही, अगर आ रही है तो केंद्र सरकार की आकर दिखा ले। इससे पहले भी हमने कई बार देखा है उमर अब्दुल्ला को कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्टेजेस से उन्होंने धारा 370 को लेकर, उसके बाद हुई डेवलपमेंट्स को लेकर निशाना बनाया है केंद्र सरकार को कई बार और कई तरह के सवाल भी पूछे हैं। वहीं दूसरी तरफ इन्हीं आरोप प्रत्यारोप के बीच लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर राजनीति चल रही है, यानी आने वाले समय में इलेक्शन है, सबको मालूम है और आज से ही क्या लगता है धारा 370 को ही क्यों मुद्दा बनाया जा रहा है? क्या कोई और मुद्दे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर बचे नहीं? देखिए साफ तौर से एक चीज जाहिर है, जम्मू और कश्मीर दोनों ही जगहों की जब बात करें तो कश्मीर एक ऐसा सेंटर है जहां पर धारा 370 के साथ लोगों को काफी लगाव था और उसके जाने के बाद कुछ हद तक कह सकते हैं कि लोगों के
कश्मीर के अंदर चल रहे हैं, इनमें उमर अब्दुल्ला का लगातार या फिर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का धारा 370 के आधार पर बात करना कहीं भी एक बड़ा हम कह सकते हैं कंफ्यूजन नहीं है या इस पर कोई सवाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोगों से कनेक्ट होने की बात है और सबसे बड़ा टॉपिक वही है जो अभी के लिए लोगों को शायद यहाँ की रीजनल पार्टी से कनेक्ट कर सके और पूरी तरह से इस इशू को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है। नो डाउट तमाम पार्टियों को इस चीज के बारे में साफ खबर है कि मसला सुप्रीम कोर्ट में है, सब जूडियस है और किसी भी सब जूडियस इशू पर बात करना पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य नहीं होता, इजाजत नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट होता है, लेकिन क्योंकि विकास के मुद्दे को गिनाना वो भी यहां पर सवाल खड़ा करता है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला भी काफी समय तक सरकार में रहे हैं, मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान रहे हैं, उस वक्त भी कितना विकास हुआ था वो सब यहाँ पर सामने है, जनता के सामने है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद अमजद जुड़ने के लिए, और आपने देखा कि अमजद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे जो बता रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला जब अनंतनाग के अंदर पहुंचे हैं उन्होंने भी धारा 370 के मुद्दों को ही उजागर करने की यहां पर कोशिश की है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि धारा 370 के बाद जिस तरह से विकास को लेकर बातचीत की गई है इस पर अब आम जनता की प्रतिक्रिया क्या कुछ देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको लिए चलेंगे लगातार श्रीनगर के अंदर, बांडीपुरा से आपको खबर दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बांडीपुरा में उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा जिले के युवाओं ने भी यहां जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर दिया है और बांडीपुरा क्रिकेटर नासिर लोन को ट्रायल के लिए मुंबई इंडियन की आईपीएल टीम में यहां कॉल अप मिला है और नासिर लोन है बांडीपुरा के और बांडीपुरा के एक बेहद प्रतिभाशाली ऑलराउंडर हैं और जाहिर तौर पर आप ये समझिए कि युवाओं को जब इस तरह से मंच मिलते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी प्रतिभा को उजागर किया जाता है और जब वे अपनी प्रतिभा को उजागर करते हैं तो जाहिर तरीके से राज्य का नाम भी रोशन होता है। तो बांडीपुरा से इस वक्त अपडेट देखने को मिल रही है जहां पर आप देखिए उत्तरी कश्मीर में किस तरह से युवाओं ने अपना दमखम यहां पर दिखाया है, अपनी प्रतिभा को निखार कर दिखाया है, क्योंकि आईपीएल के अंदर सिलेक्शन हुई है और ट्रायल के लिए कॉल अप भी मिला है और नासिर से भी यहां पर आप देखिए किस तरह से बातचीत तो की गई होगी, क्योंकि साजिद हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। साजिद, क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि युवा जिस तरह से अब अपनी प्रतिभा को निखारते हुए नजर आ रहे हैं, नासिर की जो सिलेक्शन हुई है उसको लेकर क्या जानकारी? देखिए आशा, मैं आपको बता दूं, दो तीन रोज कबल की बात है कि बांडीपुरा के एक होनहार क्रिकेटर नासिर लोन की जो है मुंबई इंडियंस की जानिब से जो ट्रायल्स होते हैं, जो 2022 के लिए आईपीएल का मुकाबला होने वाला है उसके लिए जो ट्रायल्स हैं उसमें उसका इंतखाब हुआ है, सिलेक्शन हुई है। तो ये पूरे बांडीपुरा के लिए ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए एक खुशाइन बात है, बहुत ही इंस्पायरेशनल स्टोरी है कि नासिर लोन जो एक बांडीपुरा से के एक क्रिकेटर है, बांडीपुरा एक बिल्कुल नॉर्दर्न एरिया है, सरहदी इलाका है, वहाँ से एक क्रिकेटर की आईपीएल के ट्रायल्स के लिए सिलेक्शन होती है, ये बहुत अच्छी खबर है और ये इससे पूरे जो जम्मू कश्मीर के युवा है वो एक इंस्पायरेशन ले सकते हैं। और इससे कबल भी बांडीपुरा की अगर बात करें, यहाँ से एक और क्रिकेटर मंजूर पांडव के नाम से एक मशहूर क्रिकेटर हैं, उसने भी आईपीएल के लिए खेला है और अगर नासिर लोन जो है सफलता पाते हैं ट्रायल्स में तो ये जम्मू कश्मीर से पांचवे ऐसे प्लेयर होंगे जो आईपीएल के लिए खेलेंगे। जी आशा, लेकिन साजिद, क्या नासिर से कोई बातचीत हुई है, उनके परिवार वालों से कोई बातचीत हुई, कितना खुशी का माहौल? देखिए आशा, बिल्कुल उनसे मेरी बात हुई तो उनका ये कहना है कि उनके घर में खुशी का ठिकाना नहीं है, मतलब बेहद खुश हैं वो, क्योंकि इस तरह से एक जब एक क्रिकेटर अपने अपने मोहल्ले में क्रिकेट खेलता है और उसके बाद अपने इलाके में क्रिकेट खेलता है, लेकिन जब वो मुल्क के लिए जो है उसको किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे बहुत गौरव की बात होती है। बहुत बहुत धन्यवाद साजिद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि साजिद हमारे साथ जुड़े हुए थे जो बता रहे हैं कि किस तरह से गौरवशाली ये काम है और गौरव की बात है जम्मू कश्मीर के लिए भी, क्योंकि लगातार युवा जो है वो अपनी प्रतिभा को निखारते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको गांधरबल लिए चलेंगे और गांधरबल से दिखा देते हैं कि आम जनता किस तरह से धरना प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। सफापोरा गांव में पत्थर उत्खनन कार्यों पर अब रोक लग गई है और रोक लगाने से लोगों में काफी रोष देखा गया है और कई युवा और बुजुर्गों का व्यापार इससे जुड़ा है और गाँव के लगभग 90% निवासी अपनी आय के लिए पत्थर की खादान पर ही निर्भर है और उपराज्यपाल प्रशासन से ही ये मदद की गुहार लगा रहे हैं कि जिस तरह से प्रशासन ने इस पर रोक लगाई है कहीं ना कहीं इस पर एक बार फिर से गौर फरमाया जाए, क्योंकि अपनी रोजी रोटी के लिए लोग इसी नकाशी को लेकर यहां पर काम करते हैं और अब अगर इन्हें पत्थर यहां से नहीं काटने दिया जा रहा है तो परेशानी के दौर से ये लोग गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तस्वीरें आप देख रहे हैं गांधरबल के लोग किस तरह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये वही लोग हैं जो इस पत्थर का व्यापार करते हैं, क्योंकि गांव के बुजुर्ग और जो बड़े हैं उनका व्यापार इस पर निर्भर करता है। सलीम वानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सलीम, क्या कुछ यहां पर फैसला दिया गया है प्रशासन की तरफ से और लोगों में आखिर इतना रोष क्यों?
2008 से जो सोफापुरा इलाका है यहाँ पे जो स्टोन क्वारी का जो गरीब लोग के से ज्यादा वाबस्ता है, इनकी यही मांग थी कि जिस तरह हमारी जो वहाँ पे क्वारी जो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड थे, उसके बाद जो ऑनरेबल कोर्ट है उन्होंने बेन किया था, उसके बाद इन्होंने जो लवाजमात थे वो भी इन्होंने पूरे किए, लेकिन तब से ये चला रहे हैं, जब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी थी, जब यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, तब से ये लोग बेचारे गरीब लोग हैं, इनके ऊपर यही जो रोजगार है, इनके जो बच्चे इसी पे पलते हैं, इनके जो आपने देखा होगा बाइट में भी ये लोग बल रहे हैं, हमारे बच्चों को फीस नहीं है, हमारे घरों में खाना नहीं है, लेकिन ये आज तक 12 सालों में ये चला रहे कि हमारे ऊपर कोई मतलब वो रहम करो कि जो हमारे लिए ठीक रहेगा, लेकिन आखिर कब तक ये बेचारे भी सड़क पर ये इंसाफ के लिए इस तरह मतलब रोज ब रोज दिन इनकी मुश्किलात बढ़ते हैं। आज ही इसी हवाले इन्होंने एक साइलेंट प्रोटेस्ट किया है, वहां पे गांधरबल का पुलिस भी था, लेकिन इन्होंने एक पुरमन प्रोटेस्ट किया कि हमारे साथ की ये नाइंसाफी क्यों हो रही है, अगर एलजी साहब इतना अच्छा काम कर रहा है, अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में इतना काम है, हमारी तरफ क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है, तो आखिर में इन्होंने यही कहा है कि हम कब तक ये नाइंसाफी बर्दाश्त करेंगे, आखिर हर किसी के साथ जब इंसाफ मिलता है, अगर बड़े बड़े दावे होते हैं कश्मीर में रोजगार के तो हमारे साथ ये नाइंसाफी क्यों होती है, अगर यहाँ पे पहले जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थे उनके लिए भी बड़ा सवाल था, यहाँ पे अब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन भी पिछले 2 से 3 साल से काम करते, इनको भी सोचना चाहिए कि गरीब आवाम। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सलीम वानी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि नक्काशी के लिए इस पत्थर का इस्तेमाल होता है, लेकिन इस पर रोक लगा दी गई है प्रशासन की तरफ से, और उपराज्यपाल को ये लोग गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि अपनी रोजी रोटी के लिए इसी पत्थर की नक्काशी पर यहाँ निर्भर है, जिस पर एक बार फिर से गौर फरमाने की जरूरत है। फिलहाल कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए JK 24/7 न्यूज़।